नवंबर 2022 के बेस्ट सेलिंग कार्स की रिपोर्ट आ चुकी है और इस महीने कुछ ऐसा हुआ है जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, मतलब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है जो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 25th पोजीशन पे आई है न्यूली लॉन्च्ड मारुति जो की ग्रैंड विटारा। पिछले महीने इस गाड़ी के 4,443 यूनिट सेल हुए हैं। मारुति की गाड़ी है तो इसका टॉप 25 के लिस्ट में आना तो तय था। 24th पोजीशन पे है टाटा अल्ट्रोज। पिछले महीने इस गाड़ी के 4,084 यूनिट सेल हुए हैं और 64% की ग्रोथ देखी गई है। शायद से ये नेक्स्ट ईयर इलेक्ट्रिक में भी लॉन्च होगी, फिर इसका सेल्स और इंक्रीज होगा। 23rd पोजीशन पे है मारुति जो कि इग्निस। पिछले महीने इस गाड़ी के 5,087 यूनिट सेल हुए हैं और ईयरली ग्रोथ देखा गया है 239%। 22nd पोजीशन पे आई है टाटा टियागो। पिछले महीने इस गाड़ी के 5,097 यूनिट सेल हुए हैं और ग्रोथ देखा गया है 2% का, मतलब इसके सेल्स में कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं आया है। 21st पोजीशन पे है महिंद्रा XUV 700। पिछले महीने इस गाड़ी के 5,701 यूनिट सेल हुए हैं, ग्रोथ हुई है 78% की, मतलब महिंद्रा की अब मैन्युफैक्चरिंग स्पीड काफी इंक्रीज हो चुकी है। 20th पोजीशन पे है महिंद्रा XUV 300। पिछले महीने इस गाड़ी के 5,903 यूनिट सेल हुए हैं और इसके भी ग्रोथ हुई है 47%। 19th नंबर पे आई है किया कैरेंस। पिछले महीने इस गाड़ी के 6,360 यूनिट सेल हुए हैं तो अट्रैक्टिव प्राइस की वजह से इस गाड़ी का सेल्स काफी अच्छा हो रहा है। 18th पोजीशन पे आई है महिंद्रा स्कॉर्पियो। पिछले महीने इस गाड़ी के 6,455 यूनिट सेल हुए हैं, ग्रोथ आया है 92% का, और वो इसलिए क्योंकि स्कॉर्पियो N की भी सेल इंक्लूडेड है इसमें। 17th पोजीशन पे आ चुकी है मारुति इको। पिछले महीने इस गाड़ी के 7,183 यूनिट सेल हुए हैं और इसके सेल्स में 25% का डिक्लाइन आया है, इसी वजह से ये गाड़ी 17th पोजीशन पे है, वरना जनरली तो ये टॉप 10 लिस्ट में शामिल रहा करती थी। 16th पोजीशन पे आई है ह्यूंडई i20। पिछले महीने इस गाड़ी के 7,236 यूनिट सेल हुए हैं, इसके सेल्स में 25% का ग्रोथ देखा गया है और इसके फेसलिफ्ट को भी एस्पाइड किया गया है टेस्टिंग के दौरान, मतलब नेक्स्ट ईयर तक इसकी फेसलिफ्ट भी लॉन्च हो सकती है। 15th पोजीशन पे आई है किया सोनेट। पिछले महीने इस गाड़ी की 7,834 यूनिट सेल हुई है, इसके सेल्स में भी ग्रोथ आया है और वो भी 66% का। 14th पोजीशन पे आई है ह्यूंडई i10। पिछले महीने इस गाड़ी के 7,961 यूनिट सेल हुए हैं, इसकी ग्रोथ हुई है 46% और इसे इंडिया के अंदर रोड टेस्ट करते हुए देखा गया है। 13th पोजीशन पे है महिंद्रा बोलेरो। पिछले महीने इस गाड़ी के 7,984 यूनिट सेल हुए हैं और इसकी ग्रोथ हुई है 47%। ये सेल्स बोलेरो के लिए तो बहुत अच्छे सेल्स हैं क्योंकि ये एक बहुत पुरानी गाड़ी है। 12th पोजीशन पे है किया सेल्टॉस। पिछले महीने इस गाड़ी के 9,284 यूनिट सेल हुए थे और इसके सेल्स में ग्रोथ आया है 5% का। 11th पोजीशन पे है ह्यूंडई वेन्यू। पिछले महीने इस गाड़ी के 10,738 यूनिट्स बिके थे, इसके सेल्स में ग्रोथ आया है 35% का क्योंकि पिछले कुछ महीनों पहले ही इसकी फेसलिफ्ट लॉन्च हुई है। 10th पोजीशन पे है मारुति जो कि ब्रीजा। पिछले महीने इस गाड़ी की 11,324 यूनिट सेल हुए हैं, इसके सेल्स में ग्रोथ देखा गया है 5% का और कुछ महीने पहले ही इसका भी फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ था। 9th पोजीशन पे आई है टाटा पंच। पिछले महीने इस गाड़ी के 12,131 यूनिट सेल हुए थे और इसके सेल्स में ग्रोथ आया है 99% का, यही रीजन है कि ये गाड़ी 9th पोजीशन पे पहुंच पाई है। 8th पोजीशन पे है ह्यूंडई क्रेटा। पिछले महीने इस गाड़ी के 13,321 यूनिट सेल हुए थे और इस गाड़ी का ग्रोथ आया है 29%। हालांकि इस सेगमेंट में कंपटीशन अब बहुत ज्यादा टफ हो चुका है, बट फिर भी क्रेटा के सेल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 7th पोजीशन पे है मारुति जो कि अर्टिगा। पिछले महीने इस गाड़ी के 13,818 यूनिट सेल हुए हैं, ग्रोथ आया है 58% का और ये भी काफी पुरानी गाड़ी है, बट आज के टाइम पे भी इसका सेल्स बहुत अच्छा हो रहा है। 6th पोजीशन पे आई है मारुति जो कि डिजायर। पिछले महीने इस गाड़ी के 14,456 यूनिट सेल हुए हैं, ग्रोथ आया है 76% का और ये एक लौती सेडान है जिसकी इतनी अच्छे सेल्स हो रहे हैं। 5th नंबर पे है मारुति जो कि वैगनार। पिछले महीने इस गाड़ी के 14,720 यूनिट्स बिके थे, इसकी सेल्स में 13% का डिक्लाइन देखा गया है, यही रीजन है कि ये गाड़ी 5th पोजीशन पे है, वरना ये 1st पे अपना पोजीशन फिक्स कर रखी थी। 4th पोजीशन पे है मारुति जो कि स्विफ्ट। पिछले महीने इस
गाड़ी के 15,153 यूनिट्स बिके थे। 4% का ग्रोथ देखा गया है और ये एक ऐसी गाड़ी है जिसका मार्केट से और कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं रहता। मतलब 14,000 to 15,000 के आसपास हर महीने इस गाड़ी की सेल्स होते रहती है। थर्ड पोजीशन पे है मारुति जो कि ऑल्टो। पिछले महीने इस गाड़ी के 15,663 यूनिट्स बिके थे। इसके सेल्स में 13% का ग्रोथ आया है और वो इस वजह से क्योंकि इसमें ऑल्टो 800 और ऑल्टो K100 दोनों के सेल्स इंक्लूडेड हैं। सेकंड पोजीशन पे काफी लंबे टाइम बाद मारुति के अलावा किसी और ब्रांड की गाड़ी आई है, टाटा नेक्सॉन। पिछले महीने इस गाड़ी के 15,871 यूनिट सेल हुए थे। ग्रोथ आया है 61% का और ये अभी इंडिया में एक लौती गाड़ी है जिसकी सेल्स अराउंड हर महीने ही इंक्रीज होती है। फर्स्ट पोजीशन पे है मारुति जो कि बलिनो। पिछले महीने इस गाड़ी के 20,945 यूनिट्स बिके थे। इसकी सेल्स में ग्रोथ देखा गया है 111% का और ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि बलिनो फेसलिफ्ट के लॉन्च होने के बाद ये गाड़ी बन गई अपने सेगमेंट की मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कार। और एक रीजन ये भी है कि इसकी सेफ्टी भी पहले से काफी इंक्रीज हो चुकी है। तो ये रही 25 कार्स जिसकी सेल्स पिछले महीने सबसे ज्यादा हुई है। इसमें से सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग गाड़ी निकली टाटा मोटर्स की नेक्सॉन, क्योंकि ये अब बन चुकी है इंडिया की सेकंड बेस्ट सेलिंग कार और वो भी एसयूवी होते हुए। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।